हाय गाइस, व्हाट्स अप। आज का वीडियो है कैन यू ईट बनाना व्हाइल डूइंग वेट लॉस, कि क्या हम वेट लॉस के दौरान बनाना खा सकते हैं या नहीं खा सकते, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन है। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो लोग मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं इन डेप्थ इंफॉर्मेशन के लिए। अब देखते हैं सबसे पहले कि लोग इतना डरते हैं क्यों हैं बनाना से, और लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वेट लॉस करते टाइम हमें बनाना नहीं खाना चाहिए। पहली बात तो लोगों के दिमाग में गलतफहमी है कि बनाना खाने से मोटे होते हैं। तो जो जिस चीज़ से हम मोटे होते हैं तो वो फिर उस चीज़ को हम वेट लॉस डाइट के टाइम पे कैसे खा सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है लोगों के दिमाग में। देखिए, अगर आपने मेरे पहले के वीडियोज़ देखे हैं या आप थोड़ा सा अगर मेरे वर्क के बारे में जानते हैं, तो मैंने पहले भी बोला है कि लोग जो मोटे होते हैं वो कैलोरीज एक्सेस में खाने से होते हैं। ठीक है, जब हम कैलोरीज ज़्यादा खाते हैं और हम बर्न कम करते हैं तब हम मोटे होते हैं, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक्सेस कैलोरीज कहाँ से आती हैं। ठीक है, मोस्टली लोगों को लगता है कि बनाना बहुत ज़्यादा हाई इन कैलोरीज है तो इसको खाने से हम मोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अब ये मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है, सारा चार्ट है आपके सामने की बनाना की इन्फॉर्मेशन है। देखिए, एक बनाना में, ठीक है, एक बनाना में ये 6 से 7 इंच के आसपास का बनाना है। मोस्टली अगर इस बनाना का वेट लेंगे तो 100 ग्राम के आसपास बनाना होगा, और ज़्यादातर इंडिया में 100 ग्राम के आसपास का ही बनाना मिलता है, 100 से 150 ग्राम के आसपास। तो ये जो एवरेज एक बनाना में जो कैलरीज हैं वो 90 कैलरीज हैं, तो ये अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं है जिसको लेके लोग इतना टेंशन लेते हैं कि बनाना खाने से मोटे हो जाएंगे। देखिए, जब भी आप वेट लॉस करेंगे तो ऑब्वियस है कि जब वेट लॉस आप करते हैं तो आप कम कैलोरीज खाते हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू जब आप वेट लॉस नहीं कर रहे होते। तो अब लोग कितनी कैलोरीज खाते हैं वेट लॉस के टाइम पे, मैं एक एवरेज अप्रोक्सीमेशन देता हूँ, 1200 से लेके ये नंबर 2200 तक जाता है। ठीक है, ये कैलरीज होती हैं लोगों की ड्यूरिंग वेट लॉस, इतनी कैलरीज लोग खाते हैं 1200 से लेके 2200। ये एक मैंने एक रफ एस्टीमेशन लिया है, क्योंकि ये कितनी कैलरीज किस इंसान को वेट लॉस के टाइम पे खानी है ये बहुत ज़्यादा वेरी करती है, डिपेंडिंग अपॉन कि किसी इंसान का बॉडी का साइज कितना है, उसका वेट कितना है, और वो कितना फिजिकली एक्टिव है, और उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है, फास्ट है स्लो है, तो कई सारी चीज़ों के ऊपर ये डिपेंडेंट है, और मेल है फीमेल है, तो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। और ये नंबर जो मैंने दिए हैं ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेरी भी कर सकते हैं, पर मैंने एक एवरेज लिया है कि मोस्टली लोग इसी रेंज में फॉल करेंगे, मोस्ट ऑफ दैट पीपल। ठीक है, जो बहुत मॉडरेटली एक्टिव हैं, एथलीट्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बट मैं एक जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, तो जनरल पॉपुलेशन इसी ब्रैकेट में फिक्स करती है, इसी ब्रैकेट में फॉल करेगी। तो देखिए, 1200 से लेके 2200 के बीच में आप जनरली कैलरीज खाते हैं लोग वेट लॉस के टाइम पे। तो अब ये बनाना में कितनी कैलरीज है, सिर्फ 90 कैलरीज। तो पूरे दिन में आपको, मान लीजिए आपको, आप एक वेट लॉस डाइट पे हैं जिसमें आपको 1600 कैलरी खानी है पूरे दिन में, ठीक है, तो 90 कैलरीज कहाँ स्टैंड करती हैं, कुछ भी नहीं है। एक बनाना खाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप दिन के 1600 कैलरीज आपको खानी है, और आपने एक बनाना खा लिया तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये जो लोगों का मिथ है कि हम बनाना वेट लॉस डाइट में नहीं खा सकते हैं और क्या कहते हैं बनाना खाने से हम मोटे होते हैं, ये बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये तो बात थी वेट लॉस की कि वहाँ पे वो फिट नहीं करता। सेकंड चीज़, अब देखिए ज़रा बनाना में कितना अच्छा न्यूट्रिशन है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन की जब मैं बात कर रहा हूँ, मोस्टली फ्रूट्स में आपके बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल्स देख लीजिए सामने आपके ही है, सबसे अच्छी बात है कि इसमें पोटेशियम होता है। ठीक है, पोटेशियम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में, या जिनका बीपी बहुत हाई रहता है उनको उनका बीपी कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर बीपी पेशेंट्स, बनाना खा सकते हैं बीपी के पेशेंट्स, अच्छा है उनके लिए, नॉर्मल पब्लिक के लिए भी अच्छा है। तो आप ये देख सकते हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और ये भी देख लीजिए आप, इसमें मिनरल्स भी हैं। तो और देखिए बहुत सारे क्या होता है, मैं आपको फिर बताता हूँ, बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स अभी साइंस डिस्कवर नहीं कर पाई है। ठीक
ठीक है, साइंस जो न्यूट्रिशनल साइंस है वो काफ़ी नई साइंस है इन कंपैरिजन टू फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात करें तो। न्यूट्रिशनल साइंस बहुत नई साइंस है, बहुत सारे विटामिंस मिनरल्स हम विद टाइम डिस्कवर कर रहे हैं, तो बहुत सारे हिडन न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। तो जब आप कोई पर्टिकुलरली एक फ्रूट नहीं खा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उस फ्रूट्स के जो हिडन बेनिफिट्स हैं और जो एक तो सामने दिखाई दे रहे हैं जो बेनिफिट्स भी आपको दिख ही रहे हैं कि विटामिन्स मिनरल्स हैं, बहुत सारे ऐसे विटामिन्स मिनरल्स हैं न्यूट्रिएंट्स हैं जो भी डिस्कवर नहीं हुए, तो हिडन बेनिफिट्स भी जा रहे हैं और जो दिख रहे हैं वो बेनिफिट्स भी आप नहीं ले पा रहे। ठीक है, तो ऐसा मत करिए। बनाना इज़ अ वेरी गुड फ्रूट, ठीक है, रिच रिच इन विटामिन मिनरल्स और इसमें फाइबर भी है काफ़ी, ठीक है, जो कि फाइबर हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, हमें फाइबर खाना चाहिए, आपका इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो रिच इन फाइबर, रिच इन विटामिन, रिच इन मिनरल्स और ओवरऑल बहुत अच्छा फ्रूट है और टेस्टी भी है। अब फाइनली मेरा टेक क्या है, फिर मैंने आपको बताया सबसे पहले कि बनाना से लोग मोटे नहीं होते हैं, ये एक्सेस कैलरीज की वजह से लोग मोटे होते हैं। जब लोग कैलरीज ज़्यादा इनपुट करते हैं और बर्न कम करते हैं तब लोग मोटे होते हैं, तो इससे लोग मोटे नहीं होते। सेकंड चीज़ मैंने बताया, बनाना बहुत ही टेस्टी है, टेस्टी होता है, मुझे तो टेस्टी लगता है, हो सकता है आपको टेस्टी ना लगे बट इन जनरल मेजोरिटी ऑफ लोगों को बनाना टेस्टी लगता है। फिर चीप बहुत है बनाना, ठीक है, अगर आप इंडिया में बनाना लेने जाओगे तो आई थिंक 50 रुपये या 60 रुपये में आपको 10 से 12 बनाना मिल जाते हैं, ये एक एवरेज कॉस्ट है, डिपेंड कर सकता है आप किस लोकेशन पे हैं कंट्री में, मैं आपको नॉर्थ इंडिया का बता रहा हूँ, और इजीली अवेलेबल है, ज़्यादातर ये 12 महीने अवेलेबल रहता है, इसमें अवेलेबिलिटी में कोई इशू नहीं है इन कंपैरिजन टू आप किसी और फ्रूट से कंपेयर करेंगे, जैसे आप आम से कंपेयर करते हैं या किसी ऐसे फ्रूट से कंपेयर करते हैं, ग्रेप से कंपेयर करते हैं, तो ये सीज़न वाइज आते हैं, बट बनाना 12 महीने रहता है, ईजिली अवेलेबल भी है, हर जगह मिल जाता है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके बाद मैंने आपको बताया बनाना बहुत ही रिच है न्यूट्रिएंट्स में, अभी आपको पास्ट स्लाइड में मैंने दिखाया है, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली ब्लड प्रेशर कंट्रोल में काफ़ी हेल्प करता है, और इसके बाद इसके अंदर बहुत अच्छे स्टमक के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है, तो ये ओवरऑल स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए अच्छा है, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है, न्यूट्रिएंट्स इसमें काफ़ी अच्छे हैं, आप खा सकते हो। फिर कोई भी मेडिकली फिट इंसान या कोई भी बंदा जो हेल्दी है वो बनाना खा सकता है विदाउट एनी फियर वेट लॉस के टाइम पे, ठीक है। फिर मैंने बोला है हाँ, अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं या आप अनहेल्दी हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कुछ चीज़ों का रिस्ट्रिक्शन आए, अब उस केस में आपको चीज़ें खानी हैं या नहीं खानी हैं वो आपको एक पर्सनल एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, आप अपने आप से डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं फिर बोल दूँ, ये वीडियो मैं मेडिकली फिट और हेल्दी लोगों के लिए बना रहा हूँ, मैं किसी कोई इंसान कोई मेडिकल कंडीशन से सफ़र कर रहा है तो ये उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है, ये वीडियो एक जनरल पॉपुलेशन के लिए है जो ठीक है, हेल्दी है, मेडिकली फिट है। तो अगर आप मेडिकली फिट हैं, हेल्दी हैं, तो आप बनाना खा सकते हैं बिना किसी फियर के वेट लॉस के टाइम पे, इट इज़ अ वेरी गुड फ्रूट, इट्स रिच इन मेनी न्यूट्रिएंट्स। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट माई टुडेज वीडियो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हैव यू थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।